Но пасаран. Но пасаран. И нет войне. Точно нет войны. रूसी मीडिया ने सरकार के दबाव के खिलाफ किया ऐसा काम कि भारत का गोदी मीडिया हो गया बुरी तरह बेइज्जत। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस के टेलीविजन चैनल टीवी रेन ने अपना प्रसारण बंद कर दिया है। चैनल ने यह फैसला रूसी अधिकारियों के आदेश के बाद लिया। यूक्रेन में रूस के हमले की कवरेज को लेकर टीवी रेन पर प्रशासन द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चैनल के स्टाफ ने अपने आखिरी टेलीकास्ट में प्रसारण बंद किए जाने के बारे में बताया। इसी लाइव टेलीकास्ट के दौरान सभी स्टाफ मेंबर्स ने नो टू वॉर कहते हुए रिजाइन भी किया। टीवी रेन को रूस के स्वतंत्र मीडिया संस्थानों में गिना जाता है। चैनल ने बाद में एक बयान में बताया कि प्रसारण अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया गया है। खबर के मुताबिक चैनल ने अपना आखिरी प्रसारण यूट्यूब लाइव के जरिए किया था। स्टूडियो से सभी स्टाफ के निकलने के बाद चैनल ने स्वान लेक बैले म्यूजिक का प्रसारण किया, जो अगस्त 1991 में तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचेव के खिलाफ की गई कोशिशों के दौरान भी सोवियत टेलीविजन पर दिखाया गया था। चैनल के इन आखिरी पलों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर ने पहले ही टीवी रेन को ब्लॉक कर दिया था। इसके कुछ कर्मचारी अपनी सुरक्षा को देखते हुए रूस छोड़ चुके हैं। इससे पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी कि रूसी मीडिया को सिर्फ आधिकारिक सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी को छापने का निर्देश दिया गया था। द गार्डियन के एक रिपोर्ट में बताया गया था कि मीडिया संस्थानों को यूक्रेन संकट के लिए हमला, आक्रमण या युद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले को विशेष सैन्य कार्रवाई कहते आए हैं। टीवी रेन के एडिटर इन चीफ तिखोन ज्यादको भी रूस छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट से कहा, टीवी रेन के प्रबंधन ने अस्थायी रूप से काम को रोकने का फैसला लिया है। रूसी प्रशासन ने हमें ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया कि एक पत्रकार के तौर पर काम करते रहना असंभव है। 4 मार्च को रूसी सरकार कथित फेक न्यूज को लेकर एक नई बिल लाने जा रही है। इससे यूक्रेन पर रिपोर्टिंग करना व्यावहारिक रूप से असंभव और अवैध हो जाएगा। ये हम सभी के लिए खतरे जैसा है, इसीलिए हमने ये फैसला लिया। एक तरफ रूसी मीडिया अपनी ही सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा है, तो वहीं भारत के गोदी मीडिया पर आरोप है कि वो सरकार की छवि बचाने में कोई कसर छोड़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने आपको एक अपडेट में बताया था कि कैसे आज तक पत्रकार भारतीय छात्र की मौत पर सरकार की नीतियों के गुणगान कर रहे थे। भारत के मीडिया संस्थान में से एक आज तक के संवाददाता को ये कहते सुना जा सकता है कि फ्लाइट जा रही थी, लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता ने ये तय किया कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ कुछ चीजें जरूरी हैं। उन्होंने इस एडवाइजरी को सीरियसली नहीं लिया। आज तक का ये संवाददाता कहता है कि मैंने करीब 8 देशों के लोगों से मुलाकात की। सबका ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी जो काम कर रही है दूसरे किसी भी देश की सरकार नहीं कर पा रही। तो वहीं सोशल मीडिया पर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के वीडियो लगातार तैर रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद लोगों का क्या कहना है, आइए बताते हैं। एक यूजर ने लिखा, अगर भारत माता से करते हो प्यार तो इन गोदियों के गद्दारों का करो बहिष्कार। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, जितना गोदी मीडिया जिम्मेदार है उतना ही जनता जिम्मेदार है, उसको ही देखना चाहते हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, वर्ल्ड वॉर हो न हो लेकिन गोदी स्टूडियो में वर्ल्ड वॉर चाहता है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।